सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इस ट्रांसफार्मर की जगह ये ट्रांसफार्मर लगा करके दिखाया था। ये ट्रांसफार्मर हमारा नॉर्मली 12.0125 एम्पियर का है और ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा 24.0425 एम्पियर का था। सो उस वक्त प्रॉपरली ये वर्क कर रहा था। सो मैंने उसी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अंदर जो है एक चैनल से बेस और एक चैनल से आवाज़ निकालना भी सीखेंगे, और ये जो है आप अपने घर पे भी कर सकते हो अपने एम्पलीफायर के साथ। ओके, इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका मैं अभी वीडियो में बताऊंगा और जो दूसरा तरीका है वो वीडियो के एंड में आप लोगों को समझा दूँगा। ओके, सो गाइज, उसके लिए हमारे पास सिंपल सा एक बेस फिल्टर बोर्ड होना चाहिए, जैसा कि मेरे पास है। नया बोर्ड में मेरे पास यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ओके, और उसके बाद आप लोगों को एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 1 एम्पियर का मिनिमम होना चाहिए, सॉरी मैक्सिमम 1 एम्पियर का ही चलेगा। इससे ज़्यादा आप दोगे तो आपका बोर्ड डैमेज हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है कनेक्टर लगा रखा है पहले से ही, और ये जो बोर्ड है हमारा डायरेक्ट एसी करंट से ही काम करेगा। ओके, सो मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूँगा इसकी रैपिंग को हटा करके। सो ये हमारा बोर्ड है, और अगर आप लोग देखेंगे सो कुछ ऐसा हमारा ये जो बोर्ड है वो दिखता है। ओके, और ऐसा बहुत सारी कंपनियां बोर्ड बनाने लगी है। मैंने ऐसे बहुत सारे बोर्ड देखे हैं जो कि सेम इसी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, क्योंकि मार्केट में कोई एक बोर्ड निकलता है तो उसकी डुप्लीकेट बोर्ड आराम से बना दिए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा बचने के लिए इस कंपनी ने इस आईसी का जो नंबर होता है उसे जो है पूरा यहाँ से रफ़ कर दिया है, जिससे कि आईसी दिखे ना और ये लोग जो है डुप्लीकेट ना बना पाए, बट फिर भी बना लेते हैं लोग। ओके, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखिए मैंने कनेक्टर यहाँ पे लगा रखा है, और डायरेक्ट इसे जो है हमें यहाँ पे लगाना है। देखिए 12.0.12 का ये आपको प्लस माइनस दिख रहा है, ये प्लस माइनस पे आप ध्यान नहीं देना है आप लोगों को, आपको डायरेक्ट इसको इसमें जो है कनेक्ट ऐसे कर देना है। ओके, उसके बाद गाइस थोड़ा सा बेसिक सा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ओके, और गाइस यहाँ पे थोड़ा लाइट जो है मेरी लाइट ब्लिंक कर रही है जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आउट लिखा हुआ है। ओके, ये जो आउट का एरिया है इसमें से आपको दो वायर निकालने हैं। ओके, क्योंकि ये देखिए पीछे मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये दोनों शॉर्ट हैं, यहाँ से ग्राउंड और एक चैनल शॉर्ट है और दूसरा वाला चैनल यहाँ से निकला हुआ है, तो हम दो वायर निकालेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ओके, दो वायर निकाल करके हम इसके इनपुट में देंगे। आप कहाँ देंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। ओके, और जो इसका इनपुट ए वाला एरिया है, देखिए ये तो आउट वाला हो गया जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड में लगेगा, और ये जो है ये इनपुट का एरिया है जहाँ इन लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को। ओके, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वायर लगाने हैं आपको वो दो वायर आपको अपने ब्लूटूथ पैनल से निकालने, क्योंकि आपका एक इसमें लगेगा जिससे आवाज़ आएगी और एक जो है इसके अंदर लगेगा। ओके, जिससे आपका बेस को ये फिल्टर करके आपके एम्पलीफायर बोर्ड में देगा। ओके, सो मैं समझाया है, मैंने भी आपको करके भी दिखाता हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम अपने एम्पलीफायर बोर्ड का जो है देखेंगे कनेक्शन। ओके, सो सबसे पहले गाइज यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, अगर मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। सो थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सो गाइज यहाँ पे देखिए, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। सो गाइज ये देखिए, अगर नहीं भी दिख रहा तो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसने कुछ इस तरीके से कनेक्शन किए हैं, एक मिनट मैं फ़ोन यहाँ ला करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सो दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से है, मैं अभी जो आपको कनेक्शन समझा रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज इसका ये जो है ये फर्स्ट वॉल्यूम है, फर्स्ट चैनल का, और यहाँ जो लगा हुआ है ये सेकेंड चैनल का वॉल्यूम है। सो इन्होंने एक सिंपल सा दिमाग लगाया है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। ये हमारा ये वाला जो वायर है, ये जो कनेक्टर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, ये जो है ये हमारा आउटपुट का एरिया है। ओके, सो इन्होंने एक चैनल जो है इसके लेफ्ट में लगा दिया है, देखिए यहाँ पे, सॉरी ये वाला जो है यहाँ पे रेड वाला जो वायर आ रहा है वो लेफ्ट में लगा हुआ है इस वॉल्यूम के, और यहाँ से एक और वायर गया है ब्लैक वाला जो कि इसके लेफ्ट में लगा हुआ है। अगर मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ, ये देखिए ये ब्लैक वाला वायर है, सॉरी अगर आप लोगों को दिख रहा हो ये देखिए। ओके, सो इन्होंने ये जो इसका मतलब यहाँ पे लगा दिया है। अब इन्होंने क्या किया है, जो बोर्ड में से इनपुट आ रहा है, ओके, बोर्ड के अंदर जो इनपुट है उसमें से एक वायर निकाल करके इसके बीच में लगा दिया है। ओके, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो येलो वाला वायर है वो हमारा बीच का है, मतलब इस बोर्ड के इनपुट का है। ओके, अब उसके बाद गाइस ये जो हरा वाला वायर आप देख रहे हैं ये ग्राउंड का है। मैं अभी आपको बोर्ड को प्लट करके भी दिखाऊंगा, आपका डाउट क्लियर करूंगा पूरा। ओके, और इसके बाद गाइस यहाँ भी आप देख सकते हैं जो बीच में जो वायर लगा हुआ है, आई थिंक रेड वाला जो है
वो इसका इनपुट है, ओके, और जो साइड में लगा हुआ है वो इसका ग्राउंड है। अभी मैं आपको पलट के दिखाता हूँ इस बोर्ड को, तभी आपको आइडिया होगा। ओके, सो ये हमारा बोर्ड है, लेट मी इसको पलटता हूँ मैं एक मिनट के लिए। सो अभी मेरे एक हाथ में फ़ोन है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। सो कोशिश करूँगा इसे पलट दूँ, पलट जा भाई। हाँ, सो गाइज ये देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये इसका इनपुट का एरिया है, ये दिख रहा है आपको येलो वाला हमारा, ये देखिए येलो वाला ये रहा, ओके, जो कि मैंने आपको बोला था जो बीच में लगा हुआ है वो ग्राउंड है। तो येलो देखिए एक चैनल में लगा हुआ है, और जो हरा वाला है, सॉरी येलो वाला हमारा एक चैनल का है, देखिए बीच में जो लगा हुआ है येलो वाला, और हरा वाला हमारा ग्राउंड है जो कि यहाँ पे ग्राउंड में अटैच है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए बीच में जो लगा हुआ है वो ग्राउंड है, ओके, और जो रेड वाला वायर है देखिए हरे के साथ ब्लैक भी अटैच है। मैं अगर आप लोगों को फोकस करके दिखाऊँ तो हरे वाले वायर्स के साथ जो हमारा ब्लैक वाला वायर है वो भी अटैच है, जो कि इसका ग्राउंड है, इस वाले वॉल्यूम का ग्राउंड है, ओके, और जो रेड वाला वायर है वो दूसरे चैनल में लगा हुआ है, ये देखिए ये हमारा रेड वाला वायर दूसरे चैनल में लगा हुआ है, और हरा और ब्लैक एक साथ अटैच है। तो जैसा कि मैंने समझाया आप लोगों को, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हम बोर्ड में कोई भी कनेक्शन नहीं छेड़ेंगे, बोर्ड के कनेक्शन हम रहन देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उलझ जाओगे आप लोग। सिंपल से हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो ये वाला वायर है येलो वाला, ये इसका एक इनपुट है, और यहाँ पे जो रेड वाला है ये इसका दूसरा इनपुट है, ओके, बाकी दोनों ग्राउंड है, तो ग्राउंड के कनेक्शन भी हम यहीं से कर देंगे, ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, ओके। मैं थोड़ा वीडियो लंबा बना रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, नहीं तो मैं कनेक्शन करके बस आप लोगों को दिखा देता, लेकिन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फिर ठीक नहीं रहेगा, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने इसमें ट्रांसफार्मर के वायर्स तो लगा ही लिए थे, ओके, अब सिंपल से हम क्या करेंगे, इसमें एक कनेक्टर लगाएंगे दोनों साइड, क्योंकि हमारा दोनों इन और आउट लगाएंगे, और इसमें से अभी मैं कनेक्टर लगाता हूँ, फिर आपको आगे कनेक्शन समझाता हूँ। दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को और समझा देता हूँ, जो कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों हम अगर इसके यहाँ पे जो दोनों वॉल्यूम लगे हुए हैं इनमें से किसी एक पे इनपुट देंगे तो इसका जो बेस्टेबल सेक्शन है वो भी काम करेगा। तो आप एक काम और कर सकते हैं, जो आप इनपुट दें वो आप पता है कहाँ पे दें, ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है इसके ऊपर दें, क्योंकि ये जो है इस चैनल से अटैच है। अगर आपको इस चैनल में ओनली बेस चाहिए तो यहाँ डायरेक्ट आप इनपुट दें, ओके। सो इससे क्या होगा, आपका बेस टेबल वाला एरिया काम नहीं करेगा, डायरेक्ट यहाँ से इसमें इनपुट चला जाएगा। बाकी अभी हमने क्या किया है, इसका जो इनपुट दिया है वो बेस टेबल एरिया में दिया है, जिससे कि बेस टेबल भी फिल्टर होकर के चैनल पे जाए। बाकी हमारा ये जो है ये ओनली बेस ही देगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बेस को अगर इसके अंदर भेजता भी है तो ट्रेबल कोई काम नहीं करेगा। यहाँ पे अगर आप चाहे तो बेस को भी इंक्रीज करके थोड़ा और बेस बढ़ा सकते हो, बाकी ये जो है इनफ है। इसके अंदर आपको एक प्रीसेट भी मिलता है जिससे कि आप गेन को कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। सो गाइज हम एक चैनल को तो छेड़ने वाले नहीं हैं, दूसरे चैनल को हम छेड़ेंगे, क्योंकि इसी चैनल के अंदर हमें बेस चाहिए। अगर दोनों में चाहिए तो आप दोनों को छेड़ सकते हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे हम। देखिए अब मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ये देखिए ये इसका इनका एरिया है। थोड़ा मेरा हाथ हिल रहा होगा, मैंने हाथ में फ़ोन रखा हुआ है, आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, ओके। सो ये इनका एरिया है, तो इसमें हमें क्या करना है, ब्लूटूथ से इन देना है। सो इसका हम दो ही वायर लेंगे, ओके, जो इसका ग्राउंड है उसे अलग निकाल लेंगे, और जिसके दो चैनल है उसको एक साथ शॉर्ट कर देंगे इस तरीके से, ओके। इसका बीच वाला ग्राउंड है ये दोनों शॉर्ट कर देंगे हम एक साथ, ओके। अब जो है इसको हम कनेक्ट कहाँ करेंगे ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसको आपको कहाँ कनेक्ट करना है, जो कि ब्लूटूथ से सप्लाई आ रही है, मतलब जो ब्लूटूथ से इनपुट आ रहा है, ये जो हमारा रेड वाला वायर है इसमें हमें इसे कनेक्ट करना है। तो रेड वाला कहाँ, यहाँ कनेक्ट है। सो इन दोनों वायर्स को जो हम एक साथ शॉर्ट करेंगे उसको जो है हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, ओके। अब जो है इसका अब आती है आउट की बारी, ओके। तो आउट को हम क्या करेंगे, आउट में भी हमें सिंपल सा एक ही तरीका यूज़ करना है, क्योंकि इसमें पहले से ही दो शॉर्ट हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ये दोनों शॉर्ट हैं। सो ये वाला पिन और ये वाला पिन हम दो वायर निकालेंगे यहाँ से। तो हम दो कौन से निकालेंगे एक बार देख लेते हैं। ये जो है दो वायर हम ले लेंगे, ब्लैक और ये वाला, ओके। अब इनको क्या करेंगे, इसमें से हमारा एक ग्राउंड है, ग्राउंड कौन सा है, बीच वाला है, और ये हमारा सिंगल चैनल का है। सो इसको हम कहाँ पर लेंगे, ये देखिए इसको जो है ये हम रेड वाला वायर जो है इसको यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि ये जो है हमारा इसमें लगेगा, ओके। सो अब ये जो आउट का एरिया है
इसको हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। देखिए जो पीला वाला वायर है उसके साथ इसे हमें जोड़ देना है, रेड वाला यहाँ से हटा करके हमें इसके साथ इसे लगाना है। ओके सो अभी मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पे हमने पूरे कनेक्शन कर लिए, कनेक्शन बहुत ही आसान है गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया सेम उसी तरीके से आपको कनेक्शन करना है। एक बार मैं और आप लोगों को दिखा देता हूँ जिसके ज़रिए आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ओके गाइस तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आउट का एरिया है, वो हमारा 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से है गाइस, ऐसा नहीं है मैंने आपको डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से बताया और मैं डीसी दे रहा हूँ, ठीक है ये डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से है 12012 और वो वाला जो है हमारा इनका सेक्शन है। सो गाइस सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया जो इन वाला सेक्शन है उसमें दो वायर मैंने शॉर्ट करके और इसके जो है ब्लूटूथ का जो एक चैनल है उससे जोड़ दिया है, जो रेड वाला वायर इसके अंदर लगा हुआ था उसको निकाल करके मैंने इसमें जोड़ दिया है, जिससे कि इसके अंदर इनपुट आए। ओके इसके अंदर इनपुट आए और यहाँ से फिल्टर होके यहाँ से आउटपुट, देखिए आउटपुट कहाँ दिया है मैंने, आउटपुट में से मैंने दो ही वायर निकाले हैं, एक वायर इसका मैंने छोड़ दिया है रेड वाला देख सकते हैं। ओके जैसा कि मैंने बताया कि ये पीछे से शॉर्ट है सो दो वायर लिए हैं, एक मैंने ग्राउंड में अटैच किया है जो हमारा ये वाला वायर है, ये वाला ये देखिए ये आउट से ही निकला हुआ है। सो ये जो है ये देखिए मैंने साइड वाले पिन में जोड़ा है वॉल्यूम के, जो कि हमारा ग्राउंड का है। ओके आई थिंक फोकस नहीं हो पा रहा है, ये देख सकते हैं ये वाला यहाँ लगा हुआ है और उसके बाद जो है इसका जो दूसरा वाला है ब्लैक वाला वायर जो है वो देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया, इससे क्या होगा हम वॉल्यूम कम ज़्यादा करेंगे सो इसके ज़रिए ये हमारा पीला वाला वायर के अंदर जाएगा, पीला वाला वायर जो है उसके अंदर जाएगा इनपुट वॉल्यूम के ज़रिए जैसे भी हम कम ज़्यादा करते हैं, और ये जो हमारा एम्पलीफायर जो है उसे जो है फिल्टर करके मतलब एम्पलीफाई करके हमारे स्पीकर में दे देगा। गाइस यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्पीकर यूज़ किया है जिसमें कि आपको आवाज़ पता चलेगी, और ये हमारा बॉक्स है जिसके अंदर आप लोगों को बेस पता चलेगा। अगर मैं इसे नीचे रख देता हूँ तो और भी अच्छा बेस आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि नीचे में बिल्कुल कोना पड़ता है और पूरे रूम में इसका बेस गूंजता है, अगर सामने में रखता हूँ तो उतना अच्छा बेस नहीं सुनाई देगा। लेकिन गाइस इसका जो बेस है वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का है, मैंने इसे अभी चला करके टेस्ट भी कर लिया है, अभी आप लोगों के सामने भी टेस्ट करके दिखाता हूँ। प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके माइक के अंदर उतनी अच्छी क्लियरिटी तो आप लोगों को मिलेगी नहीं, बट फिर भी एक आइडिया मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप ऐसा करके अपने घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं आपको बेस कैसा मिल रहा है। इस जगह आप दूसरा बेस फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी मैं अभी वीडियो में बनाऊँगा, आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो के अंदर। सो गाइस देखिए आप यहाँ पे ब्लूटूथ पैनल में आपको इंडिकेट हो रहा होगा कि इसके अंदर पावर सप्लाई आ चुकी है, ये हमारा वॉल्यूम का है जो कि आवाज़ को कंट्रोल करेगा, और ये जो हमारा जो कि बेस को कंट्रोल करेगा। सबसे पहले हम बेस को अप करेंगे और वॉल्यूम को डाउन कर देंगे। ओके जिससे कि आपको पहले बेस खाली मैं दिखा सकूँ कि ओनली बेस आ रहा है या नहीं, आप लोगों को फेक ना लगे। ओके क्योंकि काफ़ी लोग फेक भी कहते हैं कि भाई तूने एडिटिंग के जरिए यहाँ पे बेस कर दिया, लेकिन आपके सामने है ये फ़ोन है इसके अंदर मैं सॉन्ग प्ले करने जा रहा हूँ नॉन कॉपीराइट। ओके सो यहाँ पे मैंने नॉन कॉपीराइट सॉन्ग चूज़ कर लिया है, चलिए कोई भी एक सॉन्ग ले लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा हमारा सॉन्ग जो है वो अच्छा हो जाए। ओके सो यहाँ पे मैंने ले लिया, अभी आप लोगों को बेस सुनाई दे रहा होगा, सुनिए आप अच्छे से, ये ओनली बेस सुनाई दे रहा है आपको, देख लीजिए ठीक है ये ओनली बेस आ रहा है। ओके अब जो है मैं आवाज़ को भी अभी थोड़ा सा ये बेस ही आ रहा है, ओनली बेस आ रहा है अभी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, और मैं इसको है ना अभी साइड में रख के भी आप लोगों को आवाज़ सुनने को दूंगा कि कैसा आवाज़ आ रहा है। ओके ये बेस आ रहा है ओनली। ओके अभी आप लोगों को कुछ अजीब सा लग रहा होगा। ओके सो मैं अभी वॉल्यूम को भी अप करता हूँ, अब सुनाई दिया आप लोगों को, मैंने इसको बिल्कुल डाउन कर दिया। सो गाइस अभी आप लोगों को ओनली आवाज सुनाई दे रही है,
अब गाइज एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं ज़्यादा वॉल्यूम तेज नहीं कर सकता, हमारा 3 इंच का स्पीकर है, तुरंत जल जाएगा। ओके सो इसलिए मैं इसकी वॉल्यूम ज़्यादा तेज़ नहीं कर रहा। आप इसकी जगह 8 इंची का 10 इंची का स्पीकर यूज़ कीजिए, दोनों को एक साथ चलाइए, बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा। अभी मैं इसको नीचे रख देता हूँ क्योंकि फ्रंट में थोड़ा बेस पता नहीं चल रहा, नीचे रखूँगा तो पूरे रूम में जब बेस गूंजेगा तो आप लोगों को पता चलेगा। कहीं ना कहीं ये जो सॉन्ग है ये नॉन कॉपीराइट सॉन्ग है, इस वजह से वीडियो पे कॉपीराइट नहीं आएगा। ओके इस वजह से मैं ये सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको हिंदी सॉन्ग प्ले करके भी दिखाता, उसके अंदर जो क्लियरिटी है वो थोड़ी और अच्छी मिलती है इस सॉन्ग के मुकाबले। सो इसको नीचे रखते हैं, फिर एक बार टेस्ट करेंगे। सो गाइज अभी मैंने रख दिया है उसे नीचे पॉप्स को, और एक बार जो है सॉन्ग प्ले करते हैं, दूसरा सॉन्ग प्ले करेंगे, इसको हटाते हैं, एक कार्टून ऑन द वन प्ले करते हैं। ओके ये प्ले हो गया, सबसे पहले आवाज़ सुनेंगे, ये हमारी आवाज़ है। और गाइज एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप खाली बेस सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फटा हुआ ही लगेगा, या फिर यह आप अपने एम्पलीफायर में भी ट्राई कर सकते हैं, ये नहीं मेरे एम्पलीफायर में आप लोगों को ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप खाली बेस सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों को फटा हुआ ही लगेगा। ओके इसीलिए यहाँ पर मैं आवाज़ भी, ये आवाज़ है, आप जो है बेस को फुल करते हैं, मतलब थोड़ा सा आप करते हैं, ये देखिए अब आप लोगों को वाइब्रेशन दिख रहा होगा, ये देखिए वाइब्रेशन, अब पता चला वाइब्रेशन। सो गाइज बहुत अच्छा वाइब्रेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वो सामने में था इस वजह से जितना माइक उसके पास रहेगा उतना फटा हुआ लगता है। अब मैंने उसे थोड़ा दूर रख दिया है, कोने में रख दिया है, जिससे कि पूरे रूम में उसका जो बेस है वो वाइब्रेट हो। सो अब इसे अप करेंगे और ज़्यादा। ओके सो ये मैंने पूरा मीडियम, ये देखिए कितना कर दिया, अब इसको भी अप करते हैं। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जो मेरी टेबल है वो भी हिल रही है इसके वाइब्रेशन के जरिए, इतनी भारी टेबल है और वो इतना छोटा सा स्पीकर है 8 इंच का है, फिर भी वो वाइब्रेट कर रहा है, तो ये थोड़ा हल्का हल्का हिल रहा है, आपने वीडियो में नोटिस किया होगा ये चीज़। ओके सो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। और कनेक्शन मैंने इतना अच्छे से समझाया, अगर फिर भी समझ में नहीं आता आप लोगों को तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं हो सके तो रिप्लाई कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो भी मैं बता देता हूँ कौन से टॉपिक के ऊपर होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या ट्राई करेंगे, इसके अंदर जो मॉस्फेट लगे हुए हैं या ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इन्हें रिप्लेस करके हमारे 5200 के जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसे हम इसके अंदर लगाएंगे। ओके सो और गाइस जो दूसरा तरीका था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसके जरिए भी आप बेस फिल्टर कर सकते हैं, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि ये है। आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास 2.1 अगर होम थिएटर है तो उसके अंदर से भी आप जो है बेस फिल्टर का आउटपुट निकाल करके अपने एम्पलीफायर में लगा सकते हैं, इसके ज़रिए भी जो है आप ओनली बेस अपने एम्पलीफायर में निकाल सकते हैं। ये तो था सिंगल चैनल का, आप दोनों चैनल में भी ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, सिंपल से एक वायर ले जा करके इसके इनपुट में भी डाल दीजिए तो दोनों से ओनली बेस आने लगेगा। ओके आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।